चेन्नई सुपर किंग्स का इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां सीजन बेशक बेकार रहा, लेकिन ट्विटर पर हर किसी के दिमाग में महेंद्र सिंह धोनी की टीम ही थी। इस बार आईपीएल का आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच यूएई में किया गया था। तीन बार की विजेता चेन्नई इस सीजन प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई और 7वें स्थान पर रहते हुए लीग का अंत किया था। यह पहली बार है कि चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई। चेन्नई ट्विटर पर सबसे ज्यादा छाई रही। इसके बाद ट्विटर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का जलवा देखने को मिला। इसके बाद मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, किंग्स इलेवन पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स ट्विटर पर छाई रही। आईपीएल 13 में पहला मैच मुंबई और चेन्नई के बीच खेला गया था। इस मैच पर इस सीजन सबसे ज्यादा ट्वीट किए गए थे। इसके बाद 4 अक्टूबर को मुंबई और सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई तथा दिल्ली कैपिटल्स के बीच 18 अक्टूबर को खेले गए मैच पर सबसे ज्यादा ट्वीट किए गए। इस मैच में 2 सुपर ओवर थे। बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली वह खिलाड़ी रहे जिन्हें लेकर इस सीजन सबसे ज्यादा ट्वीट किए गए। सीजन का गोल्डन ट्वीट सचिन तेंदुलकर का रहा। उन्होंने पंजाब और राजस्थान के बीच खेले गए मैच में पंजाब की खिलाड़ी निकोलस पूरन की शानदार फील्डिंग को लेकर कहा था,